यहाँ पे पन्नू जा रहे हैं अपने दादी के कंधे पर और यहाँ पे मतलब कुछ अलग होता है गांव में मतलब मंदिर वगैरह तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी यहाँ का मुंडन कैसा होता है तुम गांव का ये देखिए पन्नू को आप लोग देख रहे हैं ना क्योंकि धूप बहुत तेज है और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं कहीं मंदिर है मंदिर में होगा ये देखिए <laughs> यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे लग रहा है मेला देखने हम लोग जा रहे हैं और पुण्य को वहाँ पे लिया गया है और मुझे हंसी भी आ रही थी और थोड़ा सा क्या बताए मेला वाला फीलिंग आ रही थी लेकिन चलिए ये सब होता रहता है और बहुत ज्यादा मजा आया आप लोग बने रहिए अपने ब्लॉग में और बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे और पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि जिसका पुंडन हो इतना डांस किया हो इतना नाचा हो इतना हैप्पी हो और मैंने पहली बार देखा है अभी आप, आप देखेंगे ना इतना ज़्यादा गरम 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 डांस हो रहा है बच्चों का बने रही है जिनका जो आप देख रहे हैं ना सी ए भैया के लड़के पुन्नो हैं जो डांस एकदम करने में मस्त हैं उनकी बुआ हैं मम्मी हैं सब लोग हैं और इन्जॉय करते रहिए आप लोग और यहाँ पर डांस वगैरह हो चुका है जो लोई वगैरह बनाते ना बाल वगैरह क्योंकि निक्कीयों को भी पता नहीं था ये देखिए जिनका मुंडन होने वाला है काफ़ी लंबे बाल हो गए हैं और हम लोग को लगा था कि ये रोएंगे बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे कोई मंदिर है इनका नाम मुझे नहीं पता है बस मुंडा की रस्म जो है वहाँ पे स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा गर्मी थी धूप थी पैदल चल चल के सबकी हालत मतलब हम लोग की बहुत ज़्यादा हालत खराब हो गई थी क्योंकि साड़ी पहन के चलना मेरे लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था लेकिन पॉसिबल हम लोग ने किया क्योंकि मेरी बस की बात नहीं थी लेकिन मैंने किसी तरह मतलब हम लोग पहुँचे बस अभी ये कह रहे थे ना मंदिर आने वाला है आने वाला है आने वाले के चक्कर में हम लोग को दो तो, दो ढाई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और उसमें अजब बात ये हुई कि आराध्या को वहीं मतलब पोटी भी आ गई वो कहीं मम्मा मुझे पोटी हम कहे भैया आप तो बन गया तो यहाँ पे मुंडन का रसम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ का मुंडन कुछ अलग तरीके से होता है मतलब यहाँ पे अस्तूरा जो होता है ना वो नहीं लगाते हैं बाल छोटे छोटे करके छोड़ दिया जाता है आज मुंडन होगा कल टुंडन था तो टंडन में मैं गई नहीं तो मैं मुंडन का थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं ना पाँच पाँच सौ के निक्की का तो भईया बाहर है और निक्की बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि भाई मनी मिल रहा था इनको चैन भी मिला हुआ है अभी आगे मैं आप लोग को दिखाऊंगी अगर सूट हुआ होगा तो इनको चैन मिला है और पुनू के मामा की तरफ से भी इनको चैन मिला है पुनु को तो ये देखिए मुंडन सारा मतलब हो गया बाल ऐसे मतलब छीला नहीं गया ऐसे तो मैंने फिलहाल हम हम तो पहली बार देख रहे हैं क्योंकि मुंडन में अस्तुर वगैरह लगता है टकले हो जाते हैं बच्चे तो वो नहीं हुआ यहाँ पर कुछ अलग होता होगा अपना अपना रसम होता है तो बस इनकी मामी बैठी हुई हैं पुन्नू की अभी इनको गिफ्ट भी मिलने वाला है यहाँ पर काजल लगाया जा रहा था किसी तरह वो पुन्नू लगाया और मुझे मेला वाली फीलिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हंसी भी आ रही थी बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया और वहाँ का मैंने वीडियो शूट नहीं किया मतलब जो वहाँ पे रेमाण वगैरह भी था तो मैं भूल गई थी तो मुझे याद आया कि थोड़ा सा मैं वीडियो बना लेती हूँ जो पैदल वाला था ना वो मैंने पूरा नहीं बनाया अगर मैं आप पूरा बनाती ना तो आप बहुत मज़ा आ जाता लेकिन मैं सूट करना भूल गई क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी साड़ी संभालना फिर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था तो ये देखिए पन्नू को यहाँ पर मिल रहा है चैन गिफ्ट में मुंडन की तरफ से तो इनको भैया गिफ्ट बहुत तगड़ा मिला तो बस आज का वीडियो बस यहीं तक था मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग टेक केयर बाय बाय